तो परसों रात में दोस्तों मैं ढेर सारा फिशिंग किया। मैं दोस्तों फ्लावर हॉर्न को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली इसका साइज जो है ना वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके सर पे अटक गया था, देख रहे ना। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करो आप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज दोस्तों 4 दिन हो गए हैं मैं बजिस की जो मट्टी है ना वो चेक नहीं किया, तो चलिए आज चेक कर लेते हैं। ओ भैया कहाँ थी यार तुम? चारों तरफ दोस्तों पानी है, मैं आपको दिखाऊंगा, बट उससे पहले हाँ बजिस की जो मट्टी है वो चेक करूंगा, ठीक है। इसके अंदर 4 अंडे हैं, इसके अंदर 2 अंडे दिए हैं, इसके अंदर वो दिखी दोस्तों, सभी बच्चे आराम से सो रहे, ठीक है। और 6 बच्चे दोस्तों हेल्दी है, ठीक ठाक है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे है ना। मैं तो बहुत ही खुश हूँ क्योंकि सभी बच्चे ठीक ठाक है। इन बच्चों को लग रहा दोस्तों मैं टेंशन में था, ओके, बट टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी हेल्दी है। आइए बाकी मट्टी को चेक करते हैं। इसके अंदर दोस्तों 2 बच्चे हैं, इसके अंदर हमेशा बजिस आते जाते रहते हैं लेकिन अभी तक अंडे नहीं दिए है। इसके अंदर 2 बच्चे हैं, इनके कलर दोस्तों बहुत ही मस्त होगा। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर दोस्तों 3 अंडे दी है, वाओ। इसके अंदर 2 बच्चे हैं, जी देखिए सभी ठीक ठाक है, ओके। किसी में दोस्तों कोई मसला देखने को नहीं मिला, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। इनका खाना पीना दोस्तों सब कुछ रेडी है, यहाँ पर देख सकते हैं पानी है, पतंगी वगैरह है। चलो चलो उस तरफ जाओ। दोस्तों हमारे घर के चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है, ठीक है। और उस तरफ दोस्तों मेहता फिशिंग भी कर रहे हैं, मैं उनको दिखाऊंगा, पहले इसको लॉक कर लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो हमारा बजिस दोस्तों भाग जाएगा। हमारा बहुत सारा बजिस दोस्तों ऑलरेडी भाग गया है। बाय द वे हमारा फाउंटेन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है क्योंकि सनलाइट दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पर गिरा है, ठीक है, और फिशेस नज़र आ रहे हैं, राइट। तो इनको दोस्तों खाने के लिए छोड़ देना होगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद दूंगा, ठीक है। 11 बजे दोस्तों मौसम बहुत ही ख़राब था, लेकिन आप देखिए बहुत ही अच्छा हो गया है, सूरज भी दोस्तों देखने को मिल रहा है, लगता है और बारिश नहीं होगा। 4-5 दिन दोस्तों मेरा यहाँ काफ़ी बारिश हुआ, जिस वजह से काफ़ी पानी बढ़ गया है और पानी दोस्तों हमारे घर तक आ गया है, देख सकते हैं, देख रहे ना। ओ भाई ऑलरेडी दोस्तों 3 कटहल पक चुका था, ठीक है, हमने तोड़ लिया, और इधर देखिए कितना बड़ा साइज का है, और एक दोस्तों ऊपर भी है, एंड यहाँ पर है दोस्तों हमारा नींबू का पेड़, ठीक है, लेकिन ये दोस्तों पानी में है, वो देखिए बहुत ही अच्छा नींबू है दोस्तों ये, ठीक है, बहुत सारी नींबू लगी है यहाँ पर। इधर जो है वगैरह देख रहे हैं दोस्तों ये गाय के लिए है, लेकिन पानी जो है ना यहाँ तक भी आ गया यार। आप चलिए पानी में उतारते हैं, ठीक है, ठीके? हमारा डकलिंग दोस्तों यहाँ पर ही था, लेकिन आप कहाँ गए पता नहीं, एक भी नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों क्या आप लोगों को याद है कुछ दिन पहले मैं लोगों को बताया था कि मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ तक पानी आ जाएगा, तो देखिए सिर्फ 1 हफ्ते की फर्क है पानी रास्ते से गुजर रहे हैं। तो दोस्तों ये पानी सेम महीने तक रहेगा यहाँ पर, और खास बात तो ये है कि फिशिंग करने को मिलता है, आप लोगों को बताया था है ना। तो परसों रात में दोस्तों मैं ढेर सारा फिशिंग किया, यहाँ पर दोस्तों मेहता भी फिशिंग कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। फिश दोस्तों नहीं मिला है, कोशिश करते रहो, ठीक है, मैं थोड़ा आगे जाके दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि कितना पानी हुआ है। ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, नदी में दोस्तों बहुत पानी बढ़ गया है यार, लोगों को बहुत नुकसान भी हुआ। एक दिन दोस्तों मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। इस वक्त दोस्तों नदी के पार जाने में काफी खतरा है क्योंकि पानी की जो स्पीड है ना काफी ज्यादा है। बाय द वे ये पानी आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। ये है दोस्तों हमारा घर जाने का रास्ता, देखिए पानी से भरपूर हो गया है। दोस्तों परसों हमारा मिनीजू में ना 2 बिग साइज की स्नैक आया था, भाई काफी लंबी लंबी है, उनको मैं भगा दिया, तो पता नहीं इसको फिर से आएगा या नहीं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी बर्ड्स है, उन पर अटैक भी कर सकते हैं। उस वक्त दोस्तों मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था इसलिए शूट नहीं कर पाया।
तो पता नहीं फिर से आ ही गए नहीं, काफ़ी टेंशन में हूँ दोस्तों। इस सीज़न में स्नैक जो है ना हमारे घर के चारों ओर घूमते रहते हैं। इस तरफ भी दोस्तों काफ़ी पानी है, वो देखिए जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा, देख रहे ना हमारा ये तालाब भी दोस्तों पानी से भरपूर हो गया है। और सांप दोस्तों यहाँ पर आया था, ठीक है, एक यहाँ पर आया था, दूसरा दोस्तों यहाँ पर आया था। हमारा बारिश काफ़ी आवाज़ निकालती है, उस तरफ दोस्तों हमारा लावट भी काफ़ी आवाज़ निकालती है। मुझे लगता है कि दोस्तों आवाज़ सुन के जो स्नैक वगैरह है वो आ जाते हैं यहाँ तक। ऑलरेडी दोस्तों हमारा 3-4 मुर्गी के बच्चे गायब हो गया, ठीक है, इन पानी में तो नेवला वगैरह नहीं आ सकते हैं, एक ही आ सकते हैं वो है दोस्तों स्नैक। सो हमें लग रहा है कि स्नैक ने ही हमारा मुर्गी के बच्चे को खा गया। यार तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये लोग दोस्तों जंगल में रहते हैं क्या? यार एक्चुअली मुर्गी के बच्चे को ना रिलीज किया गया है, ये देखिए सभी यहाँ पर आके जमा हो गए हैं। क्या खा रहे हो? हाँ कीड़े मकोड़े खा रहे हैं ये लोग, ढूंढ ढूंढ के देख सकते हैं, खाओ खाओ। और दो दोस्तों यहाँ पर सो रहे, क्यूटी। हमारा मुर्गी वगैरह दोस्तों यहाँ पर है, सभी आराम कर रहे हैं। और एक दोस्तों मेरे रूम के अंदर है, वो मुर्गी एक्चुअली अंडे देने के लिए बैठ गई, चले दिखाता हूँ, ठीक है। वो दोस्तों अंडे उतर के चली गई यार। अरे हमारा डकलिंग्स तो वहां पर है, टी 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 टी, आ जाओ यार, सांप का खतरा है, वो देखिए घूम रहे, आ जाओ, टी 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 टी। दोस्तों हमारा फिंचेस का खाना खत्म हो गया है, तो मुझे अभी का भी इनको खाना देना होगा। वाइट, काफी डरते हैं ये लोग, डरना मत, ठीक है, ये लोग खाना तो बाहर निकाल दो। यहाँ पर मैं डायमंड को दोस्तों खाने के लिए दे दिया, ठीक है, खाओ, सभी आ जाओ। अरवाना दोस्तों स्मॉल फिश के लिए इंतजार कर रहे हैं। एक्चुअली इस वक्त हमारा यहाँ दोस्तों स्मॉल फिश काफी मिलती है, ठीक है, इनको भी खाने के लिए देना होगा। मैं दोस्तों फ्लावर को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्चुअली इसका साइज जो है ना वो मैं आपको दिखाऊंगा, देख रहे ना कितना बड़ा हुआ है, ओह माय गॉड, सच में दोस्तों बहुत बड़ा हो गया है। चलिए धीरे धीरे ऊपर लाते, रुको यार कुछ नहीं करूंगा यार, ओ भाई भागने की काफी कोशिश कर रहे हैं। तो ये है दोस्तों हमारा फ्लावर हॉर्न, सच में दोस्तों बहुत बड़ा हो गया है। इसका जो कैप है ना दोस्तों वो बहुत बड़ा हो गया है यार, देखिए सो ब्यूटीफुल है ना, चला गया दोस्तों। लवबर्ड बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं आपको पता ही है ना, लेकिन दोस्तों हमारा लवबर्ड ने जो बेबी थी ना दोस्तों उस बेबी को काफी चोट पहुंचाया यार, इसके सर पे अटक गया था, देख रहे ना छोटी इंसान, पता नहीं दोस्तों इस बच्चे के साथ इस बच्चे की मम्मी पापा ऐसा क्यों करते हैं। देखिए फ्लाई करना भी सीख गया है, इस बेबी को दोस्तों यहाँ से अलग करना होगा। बाइट मत करो, ठीक है, बाइट करने की कोशिश कर रहे हैं यार, बहुत चोट पहुंच रहा है इसको, यहाँ पर काफी खून है, देखिए मुझे लगता है कि दोस्तों ये बेबी ना यहाँ पर आया था। चलो इसको बाहर निकालते हैं और दूसरा केस के अंदर रखते हैं, अदरवाइज दोस्तों बाकी लापट इस बच्चे को मार देगी। बाय द वे ये दोस्तों आज का हमारा एक छोटा सा ब्लॉग, उम्मीद कर रहा हूं तुमको पसंद आया है, पसंद है तो ब्लॉग को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता हो अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहे, मस्त रहे और हमारा इस चैनल के साथ जुड़े रहे, बाय बाय।